नमस्कार दोस्तों, मैं मंदिर यहाँ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल दीनर सिंह ऑर्बिट में। और सबसे पहले मैं आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नए साल में नए दोस्त के साथ अपनी पढ़ाई रेगुलर रखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे OBC के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा एंड कोल्ड। इस टॉपिक में से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आता है, बहुत बार की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, फिर पूछा जाता है कि ये कौन सी एबनॉर्मलिटी है प्लेसेंट है कोल्ड की। और बहुत बार क्या करते हैं, आपको एक पिक्चर दिखा दी जाती है और पूछा जाता है यह कौन सी एबनॉर्मलिटी है प्लेसेंट की। तो हम आज एक नई तरीके से पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सारी डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे कौन सी डेफिनेशन का क्या मतलब है और कौन सी डेफिनेशन किस एबनॉर्मलिटी से है। और उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे हर एक एबनॉर्मलिटी की प्लेसेंटा की, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी किस पिक्चर्स की है और इसकी डेफिनेशन क्या है। कई बार डेफिनेशंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डेफिनेशन कौन सी एबनॉर्मलिटी की है, तो वो आपको पिक्चर्स देखने से साफ समझ में आ जाएगी। चलो तो हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एबनॉर्मलिटी, प्लेसेंटा सक्सेसोरेटा। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा हैज वन और टू स्मॉल एक्सेसरी लोब्स, इसमें एक या दो स्मॉल एक्स्ट्रा लोब बन जाते हैं प्लेसेंटा के साइड में, कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम मेन प्लेसेंटा। जो कि मेन प्लेसेंटा होता है हमारा, उससे कंप्लीटली पूरी तरह से अलग होते हैं। एंड ब्लड वेसल्स पास फ्रॉम द स्मॉल लोब टू द मेन लोब, और जो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। फिर एक सेम टू सेम आता प्लेसेंटा स्पूरिया, इसमें एक मेन डिफरेंस होता है, जो दो लोब होते हैं वह आपस में ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड नहीं होते, मतलब कि नो वेस्कुलर कनेक्शन। बाकी वह कंप्लीटली इसकी तरह है, सक्सेसोरेटा की तरह एक साइड में अलग से लोब बना होगा, लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती और इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। फिर हमारे तीसरा टाइप आता है प्लेसेंटा फेनिस्ट्रेट, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा इन विच ए पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा टिश्यू इज थिनिंग और एब्सेंट एंड हैज द अपीयरेंस लाइक ए विंडो। इसमें क्या होता है, कोई भी एक प्लेसेंटल टिश्यू का पोर्शन होता है वह या तो थिन होता है या फिर उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होती या फिर वह कंप्लीटली अब्सेंट होता है, तो उस वजह से प्लेसेंटा में विंडो लाइक अपीयरेंस आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेट। देखते हैं नेक्स्ट प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी कौन सी होती है। तो नेक्स्ट हमारी प्लेसेंटा डुप्लेक्स, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा हैज वन और टू सेपरेट लोब, इसमें भी एक या दो सेपरेट लोब बन जाते हैं। एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड ब्रांचेस सेंडिंग वेसल्स टू ईच अदर, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड की ब्रांचेस होती है वह दोनों लोब्स में जाएगी। और इसमें जो पहले हमने देखा था प्लेसेंटा सक्सेसोरेटा, उसमें क्या था, एक स्मॉल लोब बनेगा साइड में, प्लेसेंटा के साइड में एक स्मॉल लोब, और इसमें क्या होगा, इसमें दो इक्वल सेपरेशन होगा और ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं होगे एक दूसरे से ये लोब प्लेसेंटा डुप्लेक्स में, और प्लेसेंटा सक्सेसोरेटा में क्या था, ये कंप्लीटली सेपरेट थे। अब बात करते हैं अगले प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटी की, वो है प्लेसेंटा बाइपैरेटा। प्लेसेंटा हैज वन और टू इनकम्प्लीट लोब एंड द अम्बिलिकल वेसल्स पास ऑफ वन लोब टू द अदर जॉइनिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने डुप्लेक्स में पढ़ा है, इसमें भी दो लोब बनेंगे, लेकिन जैसा कि अम्बिलिकल कॉर्ड की उस डुप्लेक्स वाले में ब्रांचेस दोनों में जा रही थी दोनों लोब्स में, लेकिन बाइपैरेटा में ऐसा नहीं होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड की ब्रांच एक लोब में जाएगी लेकिन वह दूसरे लोब के साथ वेसल्स के साथ कनेक्टेड होगा। जब हम पिक्चर्स देखेंगे तब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोनों में क्लियर हो जाएंगे जैसे हम पिक्चर्स देखेंगे वीडियो के लास्ट में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि होता है सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, फीटल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू ए सेंट्रल डिप्रेस्ड जोन,
इसमें क्या होगा, जो फिडल सरफेस होगा उसमें सेंट्रल डिप्रेस्ड जोन होगा, वो ऐसा लगेगा कि वो अंदर की साइड गया हुआ है और सराउंडेड बाय ए थिक व्हाइट रिंग, और ऐसा लगेगा उसके चारों तरफ एक थिक व्हाइट रिंग बनी हुई है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। ए थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ कोरियोनिक प्लेट। इसमें एक थिन फाइब्रस रिंग बन जाती है कोरियोनिक प्लेट के बाउंड्री पे, और वेयर प्लेट फिटल ब्लड वेसल्स अपीयर टू टर्मिनेट, और वहां पे ऐसा फील होता है जहां से फिटल ब्लड वेसल्स बन रही हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी है जो है बैटल और प्लेसेंटा। कॉर्ड इज अटैच्ड टू द एज ऑफ द प्लेसेंटा इंस्टेड ऑफ सेंटर। इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वह सेंटर पे अटैच ना होकर के साइड में अटैच होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटा वेलमेंटोस। इसमें क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन्स इंस्टेड ऑफ प्लेसेंटा। इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के साथ अटैच ना होकर के उसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। फिर हम बात करते हैं वासा प्रीविया की। वासा प्रीविया से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, प्लेसेंटा वेलमेंटस का एक और नाम होता है वेलमेंटस इंसर्शन। यह प्लेसेंटा वेलमेंटस का एक अनदर नेम है। उसके बाद हम बात करते हैं वासा प्रीविया की। इसमें क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लेसेंटा। इसमें भी प्लेसेंटा वेलमेंटस की तरह अम्बिलिकल कॉर्ड मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होती है, लेकिन वह इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट के फ्रंट में होती है, और प्लेसेंटा वेलमेंटस में ऐसा नहीं था। और इसमें होता है प्रेजेंटिंग पार्ट जो फ्रंट में होती है, जो कि ओवरलाइन थी इंटरनल ओस, जो कि इंटरनल ओस को ओवरलाइन करता है। फिर हम बात करते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा की। प्लेसेंटा एक्रीटा होता है जब प्लेसेंटा बियॉन्ड दी एंडोमेट्रियम के बियॉन्ड तक पेनिट्रेट कर जाता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। फिर आता है प्लेसेंटा इनक्रीटा, यह भी एक प्लेसेंटा एक्रीटा का ही पार्ट होता है। इसमें कोरियोनिक विल्लई मायोमेट्रियम में इन्वेड कर जाती है, मतलब मायोमेट्रियम तक वह चली जाती है। फिर आता हमारा प्लेसेंटा परक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा इनटू दी पेरिट्रेट इनटू दी पेरिमेट्रियम। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा पेरिमेट्रियम तक पेरिट्रेट कर जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे, एक्रीटा का तो सिंपल मतलब है कि एंडोमेट्रियम के बियॉन्ड पेनिट्रेट कर जाएगा। इनका मतलब हम याद रख सकते हैं, जैसे कि अंदर आना होता है, इनका मतलब अंदर, और यह मायोमेट्रियम के अंदर तक आ जाता है। परक्रीटा का मतलब हम ऊपर से याद कर सकते हैं, पार चला जाता है, मायोमेट्रियम को भी पार करके पेरिमेट्रियम तक पहुंच जाता है। फिर बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा अटैच टू द लोअर पोल ऑफ यूट्रस। इसमें प्लेसेंटा की एनाटॉमी में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती है, इसमें एबनॉर्मलिटी होती है उसके अटैचमेंट में। प्लेसेंटा फंडस पर अटैच ना होकर के यूट्रस के लोअर पोल पे अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया को इन सब के साथ हम मैच नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। बाकी हम जब एपीएस पढ़ेंगे तब प्लेसेंटा प्रीविया को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अब हम पिक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी क्या क्या होती है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एबनॉर्मलिटी किस डेफिनेशन को मैच करती है। चलो तो हम पढ़ते हैं पिक्चर्स के थ्रू। चलो अब हम पढ़ते हैं पिक्चर्स की हेल्प से प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी को। सबसे पहले देखेंगे हम ये होता है नॉर्मल प्लेसेंटा। इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वह सेंटर में अटैच होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, यह है बैटल डोर प्लेसेंटा। इसमें देखिए जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो सेंटर पे अटैच ना होकर के साइड में अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा। हम देखते हैं नेक्स्ट, यह है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। देखिए इसमें जो ये वाइट रिंग बनी हुई है ये कोरियोनिक प्लेट के बाउंड्रीज पे बनी हुई है। देखिए ये जहाँ जहाँ माउस का कर्सर जा रहा है ये,
और ये यहाँ से ब्लड वेसल्स हैं जो फीटल की, वो ऐसा लग रहा है यहाँ से बन के निकल रही हैं। तो ये था हमारा प्लेसेंटा मार्जिनेटा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये होता हमारा सर्कमवेलेट। इसमें जो फीटस पार्ट है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि डिप्रेस्ड है, और इसके चारों तरफ एक थिक फाइबर स्रिंग है। मार्जिनेटा में वो फाइबर स्रिंग होती है वह थिन होती है, और सर्कमवेलेट में वह थिक होती है। देखो ये रही, और मार्जिनेटा में क्या था, वो बाउंड्रीज पे थी यहाँ पे, और इसमें क्या है ये इसके पास है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है प्लेसेंटा सक्सिनचुरेटा। इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा लोब बना हुआ है, ये वाला स्मॉल एक्स्ट्रा लोब है ये, और ये है ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होता है ये बड़े वाले लोब से। और स्पुरिया में क्या होता है, यह लोब तो ऐसे ही होता है लेकिन इस यह ब्लड वेसल्स के थ्रू अटैच नहीं होता, इसमें ब्लड वेसल्स अब्सेंट होती हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, यह है प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेट। इसमें देखिए जैसा कि आपको बताया था इसमें टिश्यू अब्सेंट होते हैं कुछ, देखो ये टिश्यू अब्सेंट है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक विंडो बनी हुई है। तो इसको आप देख सकते हैं ये रहा और ये नीचे भी है, तो ये हमारा प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी, ये है प्लेसेंटा बाईपार्शिया। प्लेसेंटा बाईपार्शिया में क्या होता है, देखिए ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड एक लोब को सप्लाई कर रही है, मतलब ये कॉर्ड एक लोब से कनेक्टेड है और दूसरी लोब से ये ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड है। देखो ये ब्लड वेसल्स है, तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटा बाईपार्शिया में कॉर्ड एक लोब के साथ कनेक्टेड रहती है और अनदर लोब ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी, ये है प्लेसेंटा ड्यूप्लेक्स। प्लेसेंटा ड्यूप्लेक्स में देखो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो दोनों लोब्स के साथ कनेक्टेड है। देखो ये रहा, ये पार्ट ये यहाँ गया और ये पार्ट यहाँ गया। तो प्लेसेंटा जो बाईपार्शिया था उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड एक लोब के साथ कनेक्टेड थी, और प्लेसेंटा ड्यूप्लेक्स में है ये दोनों लोब्स के साथ कनेक्टेड है। ये प्लेसेंटा प्रीविया जो मैंने आपको बताया था यह कोई एनाटोमिकली एबनॉर्मलिटी नहीं है प्लेसेंटा की। इसमें जो प्लेसेंटा होता है वह लोअर पोल में, यूट्रस के लोअर पोल में आता है। जैसे कि देखिए ये आ गया नॉर्मल प्लेसेंटा यहाँ होता है, फिर मार्जिनल, ये इसके कुछ पार्ट है प्लेसेंटा प्रीविया के, मार्जिनल में ये थोड़ा नीचे होता है, पार्शियल में ये हाफ तो इंटरनल लोस पे होता है और आप थोड़ा ऊपर होता है, और टोटल में यह कंप्लीट इंटरनल लोस को, कंप्लीट इंटरनल लोस उसको कवर कर लेता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमने देखा था प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा, परक्रीटा। एक्रीटा में क्या होता है, यह पेनिट्रेट कर जाता है एंडोमेट्रियम में, और इनक्रीटा में मायोमेट्रियम तक पहुंच जाते हैं। देखो ये कंप्लीट यहाँ तक नहीं है, ये मायोमेट्रियम तक ही है, और परक्रीटा में यह तीनों लेयर को पार करके पेरीमेट्रियम तक पेनिट्रेशन कर जाता है प्लेसेंटा। आप देख सकते हैं तीनों को यहाँ से, और नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम, ये है वासा प्रीविया। देखिए प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वह लोअर पोल में अटैच होता है, लेकिन वासा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा अपनी जगह पे ही अटैचमेंट होती है प्लेसेंटा की, लेकिन जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वह प्रेजेंटिंग पार्ट के फ्रंट में होती है। देखो ये रही, और वह इंटरनल लोब्स को भी कवर करती है, आप ये दोनों में देख सकते हैं। तो ये होता है वासा प्रीविया, और ये हमारा आता है वेलमेंटस इंसर्शन या प्लेसेंटल वेलमेंटस। इसमें क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड डायरेक्ट प्लेसेंटा से अटैच ना हो करके ये इसकी मेम्ब्रेन से अटैच होती है। ये आप देखिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ तक है, और ये है प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स, ये मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच है, ये डायरेक्ट प्लेसेंटा के साथ अटैच नहीं है। तो ये थे हमारे प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज। तो हमने ये पढ़ा है प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज के बारे में, पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशंस के थ्रू, फिर हमने देखी थी इनकी पिक्चर्स, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। और हमारी वीडियो में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर हमारे टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप उन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।